मसला है किसान। जी हां, किसानों की, किसान प्रतिनिधियों की मुलाकात होगी नरेंद्र सिंह तोमर से, और बातचीत होगी कि आखिर क्या कुछ रास्ता निकल सकता है अध्यादेशों पर। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। देखिए पूजा, दिल्ली में आज नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री के साथ मुलाकात होने वाली थी। एक गुट की जो बैठक है वो इस वक्त हरियाणा भवन में चल रही है और दूसरे तमाम जो किसान संगठन के लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जो राय है वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बात करते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से, जो किसान संगठन के अध्यक्ष भी है भाकियू के। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, चूंकि आज दिल्ली में एक बैठक थी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में, उसको लेकर आपका किस तरीके से जो रुख है वो निकल कर सामने आ रहा है? देखिए, हम हरियाणा में 17 संगठन काम कर रहे हैं, जो आंदोलन है हमारा, और इकट्ठा आंदोलन है साझा, और भी उसमें कल एक दो संगठन शामिल हो गए हैं 2-3 दिन पहले। तो हम सारे संगठन हरियाणा के इकट्ठे हैं जो आंदोलन कर रहे थे, और आज हमारा डेपुटेशन मीटिंग के लिए बुलाया था कि तोमर जी से हमारी मीटिंग कराएंगे। तो धर्मवीर जी जो MP हैं, उन्होंने अपने कोठी पे पहले बुलाया था कि यहाँ से हम इकट्ठे चलेंगे और फिर जाके मंत्री जी से मीटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बात उनके मुंह से हमारे सामने आई है, उन्होंने कहा ये कि अध्यादेश वापस तो होने वाले किसी हालत तो वापस तो होंगे नहीं, और आप देखिए वापस तो ये होंगे नहीं, और आपने जो बात रखनी है आपने रखिए। हमने कहा जब ये वापस ही नहीं होंगे, जिस काम के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, जब उस बात का टका सा जवाब है कि वापस तो होंगे ही नहीं, तो फिर हम बातचीत करके भी क्या करेंगे? फिर तो क्या खाली हमें बुरा बनाने के लिए वहाँ पे बुलाया गया है? तो इसलिए हमने बातचीत से इनकार कर दिया है कि हमारा कोई मतलब नहीं बनता फिर जाने का। जो हम प्रस्ताव लेके आए हैं जिसके लिए आपने बुलाया, वो आपने मानने से इनकार अगर सरकार कर रही है तो फिर बातचीत का कोई फायदा नहीं, हमने इनकार कर दिया। एक मुद्दा और जानना चाहें कि कल जो बैठक हुई थी दिल्ली में, आपने जो है बात भी रखी थी हरियाणा बीजेपी का जो प्रतिनिधि हुई, क्या क्या मुद्दे जो आपकी तरफ से वहाँ पे उठाए गए थे? नहीं, हमारे से बीजेपी की मीटिंग नहीं हुई, ना हमने इन साथियों से मीटिंग की थी पहले, हमारी तरफ से कोई अहमत आज की थी पहले हमारी तरफ से कोई अहमत तो आज पहली बार बात के लिए बुलाए गए थे, और सीधे कृषि मंत्री से बात के लिए बुलाए गए थे। जो ये 3 मेंबरी कमेटी बनाई गई थी, ये तो एक ढकोसला था कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने जैसी बात थी, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है, और हरियाणा का जो अध्यक्ष है वो कमेटी बना रहा है, पूरे देश का मैटर है, हरियाणा में कमेटी काम कर रही है, को मतलब समझ में नहीं आता, क्योंकि मैटर पूरे देश का है, अकेले हरियाणा का थोड़ा ही है। अकेले हरियाणा में 3 मेंबरी कमेटी बना दी गई तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा है। वो तो एक, क्योंकि हरियाणा में आंदोलन ज़्यादा हुआ, हरियाणा के किसानों का क्रोध दबाने के लिए ये किया गया, और बहुत से ऐसे संगठन भी होते हैं जो सरकार के खड़े किए हुए होते हैं, उनको सरकार किसान संगठन बता के जो है कन्फ्यूजन पैदा करती है, तो वही काम अब कर रहे हैं। तो हमारा साफ है कि हमने बातचीत का बहिष्कार कर दिया और हम तो उसी अपने आंदोलन की राह पे चलेंगे। तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है बातचीत की बहिष्कार कर दिया है। बाकी लोगों से भी आपके बात कराते जो अलग अलग किसान संगठन है। सर, आपसे पहले जानना चाहें आप कौन से किसान संगठन से हैं? किसान यूनियन से हूँ। आज सबकी जो बातचीत है वो कृषि मंत्री के साथ दिल्ली में कराई जाएगी, आज आप यहाँ पर हैं, किस तरीके से उस बैठक को देख रहे हैं? क्योंकि हम जो जानकारी मिली है आपने जो है वो उस बैठक का बहिष्कार किया है। देखिए, हमें जहाँ यहाँ बुलाया गया था और हमें पता लगा कि केंद्र सरकार जो है वो इस अध्यादेश को वापस तो लेने वाली नहीं है, तो हमने कहा जब अध्यादेश को वापस नहीं ले रही तो इसमें संशोधन क्या करेंगे? वो संशोधन तो कुछ कर ही नहीं सकते वो। और जब ये सरकार, मतलब एक हमारा आयोग था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, वो तो लागू नहीं कर सकी, और इसको मतलब लागू कर रही है, इतनी जल्दी कर रही है, तो ये पूंजीपतियों के उसके हाथ में हमारे घसीटना चाहती है। तो हम जब ये वो इस अध्यादेश को वापस ही नहीं ले सकती, तो हमने इसका मतलब मीटिंग का बहिष्कार कर दिया कि ये हमारे को बहकाने के लिए है, हमारे को एक दूसरों को ये दिखाने के लिए है कि हम किसानों से बात कर रहे हैं। वो असल में किसानों से बात नहीं कर रहे, वो किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। आपसे भी जानना चाहें, आप लोग तमाम जो है अध्यादेश वापस लेने की बात जो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष से आ रहा है कि आप सबकी जो मांगे थी वो पहले कृषि मंत्री के पास पहुँचा देते हैं और उसके बाद जो है आगे जो है बातचीत की जाएगी, इसको किस तरीके से देखेंगे? इस सरकार की नीति से हमने शुरू में कह दिया था बहुत ज़्यादा फर्क है, 2014 से लेके आज तक इन्होंने हमारी ना कोई मांग मानी है,
ना ही किसान के लिए कोई नीति बनाई है। किसान के विरोधी नीतियां जो बनाई है आज भी जो किसान विरोधी नीति बनी है हमारी नीति नहीं बनी है। इसलिए हमने पहले ये मीटिंग धर्मपाल जी से ये कह के जा रखी थी भी हमें पहले मीटिंग का एजेंडा बताओ फिर मीटिंग में जाएंगे। एजेंडा उसने बता दिया भाई ये बिल तो पास होगा इसमें कोई संशोधन नहीं होगा ये बैक भी शायद ना कर सके और इस बिल को अगर आप मीटिंग करना नहीं करना वो आपके मन की इच्छा है। हमने उसको स्पष्ट जवाब दे दिया भाई हम अगर ये बिल पास होगा तो हम मीटिंग करने नहीं जाएंगे संशोधन नहीं है तो हम नहीं जाएंगे हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं और सड़कों पे करेंगे फिर हमें मीटिंगें करने कोई इरादा नहीं है। एक अंतिम प्रश्न और ले लेते हैं गुरनाम जी से। सर आखिरी बात पूछे तो अब आगे की जो प्रतिक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए आगे तो आंदोलन का रास्ता ही बाकी बचा है और कुछ रास्ता तो हमारे पास बचा हुआ नहीं है। एक तो हम जो अपोजिशन है कांग्रेस है दूसरी पार्टियां हैं उनसे ये कहेंगे कि उनको एक हंगामा करना चाहिए इसके ऊपर संसद के अंदर और इस बिल को किसी हालत में वो पास ना होने दें चाहे उनको कुछ भी करना पड़े। एक तो उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे और दूसरा देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे कि इनसे किसान परेशान है मजदूर आंदोलन में है अब आढ़ती इसके विरुद्ध बोल रहा है व्यापारी इसके विरुद्ध बोल रहा है और उद्योग व्यापार मंडल इसके विरुद्ध बोल रहा है सेलर वाले भी इसके विरुद्ध बोल रहे हैं। जब इन सब के मापी की ये अध्यादेश नहीं है तो फिर सरकार आखिर किसके लिए कानून बनाना चाहती है? क्या अंबानी और अडानी को फायदा पहुँचाने के लिए या अमेरिका के किसी दबाव में हम अपने देश को बेच रहे हैं? इन अध्यादेशों से हालात ये खड़े होंगे कि पूरे देश का खदान देश के चंद पूंजीपति खरीदेंगे और पूरे देश उनका ग्राहक होगा उनसे खरीद के खाएगा और फिर वो ब्लैकमेलिंग करेंगे जिस रेट में मर्जी बेचें। तो ये बात भारत का जो किसान है किसान नहीं आम जनता बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगी। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूजा हमने आपको बातचीत कराई तमाम किसान संगठनों से जो उस मीटिंग के लिए फिलहाल जो है मना करते हुए नजर आ रहे हैं यानी किसान खेमा भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बटा हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पहले ये जो अध्यादेश किसानों के लिए सरकार ला रही है उसको वापस लिया जाए और उसी के बाद जो है टेबल पर बैठकर बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल स्पर्श तस्वीरें साफ तौर पर इस बात की तरफ तस्दीक कर रही हैं कि किसान यूनियन जो है वो कहीं ना कहीं खफा नजर आ रही है और साफ तौर पर आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन का जब जिक्र होता है लंबा इतिहास है भारतीय किसान यूनियन का और लंबा संघर्ष भारतीय किसान यूनियन ने किया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहना है कि नहीं मुलाकात होगी नरेंद्र सिंह तोमर से, इसलिए नहीं होगी क्योंकि जब अध्यादेश वापस ही नहीं होना अध्यादेश पर बातचीत ही नहीं करनी तो मुलाकात से क्या फायदा है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।